Good morning, girls. Today we will come to application of integration. Okay, तो applications में हम देखेंगे कि integration को हम लोग economics में कैसे use करते हैं. अर्थशास्त्र में हम integrals के प्रयोग को आज हम लोग जानेंगे. ठीक है, okay. हम सब जानते हैं कि जब हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालना पड़ता था तो हम क्या करते थे, हम टोटल कॉस्ट का डेराइवेटिव निकालते थे, राइट? इस तरह से निकल जाता था. अब हम इसका उल्टा करेंगे. अगर हमें मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है और हमें टोटल कॉस्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट का इंटीग्रल निकालेंगे. ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू क्यू. अगर मार्जिनल कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स तो टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एम सी डी एक्स. लेट्स डू अ फ्यू सम्स, इट विल बिकम क्लियरर. मान लेते हैं कि वी हैव बीन गिवन एम सी इज इक्वल टू 6x+3. ओके, वी हैव टू फाइंड टी सी. तो टी सी हमारा क्या होगा, समेशन एम सी डी एक्स विच इज नथिंग बट समेशन 6x+3 डी एक्स. ये क्या बन जाएगा हमारा, 6x² / 2 + 3x + c. ये कैंसिल हो जाएगा, सो दिस बिकम्स 3x² + 3x + c. दिस इज आर टी सी. फाइन, मान लेते हैं कि हमारे पास दिया हुआ है कि स्थिर लागत जो है वो टी एफ सी जो है वो 50 है. तो टी सी क्या हो जाएगा, 3x² + 3x + 50. ओके, ओके. सो नाउ वी कम डाउन टू अनदर सम. लेट अस see how can we do solve another one. Okay, so we are given that marginal cost function diya hua hai 1 + 100x - 5x². theek hai, aur total cost diya hua hai hamare yahan pe, total cost ka value diya hua hai, total cost ka value diya hua hai 200. fine, तो हमें निकालना है टोटल कॉस्ट फंक्शन निकालना है. वी हैव टू फाइंड टोटल कॉस्ट फंक्शन. वैल्यू दिया है लेकिन फंक्शन नहीं दिया हुआ है. एंड वी हैव टू फाइंड एवरेज कॉस्ट फंक्शन. ये दोनों हम लोगों को निकालना है. ठीक है, कैसे निकालेंगे, मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है. सो गिवन एम सी इज इक्वल टू 1 + 100x - 5x². ठीक है, और दिया हुआ है टोटल कॉस्ट. सो 200 कैसे निकालेंगे, 200 को 1 + 100x - 5x² dx, राइट? सो व्हाट इज दिस, दिस इज x + 100x² / 2 - 5x³/3 + c. दिस इज इक्वल टू 200. तो हमारा c कितना हो जाएगा, इसको हम लोग पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे. दिस विल बिकम 50, राइट? एंड दिस इज x + 50x² - 5/3x³ + c, राइट? ओके, वन थिंग आई जस्ट मिस्ड आउट ऑन सेइंग दैट टोटल कॉस्ट एट वन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज 200. ठीक है, तो एक इकाई उत्पादन करने के लिए, सो फॉर प्रोड्यूसिंग वन यूनिट
टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, 200 दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, x रहेगा 1, राइट, सो 1 प्लस 50 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 5 बाई 3 इंटू 1 क्यूब प्लस सी, सो हाउ मच दैट वुड बी, सो 200 वुड बी इक्वल टू, we can put it as 1 plus 50 minus 5 by 3 plus c, right? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, c is equal to 200 minus 1 plus 50 plus 5 by 3. Okay, sorry, it would be minus 5 by 3, which comes to 452 by 3. तो ये हमारा छोटा c निकल जाता है, constant, यानी fixed cost निकल गया. तो total cost function क्या होगा? Total cost function को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, minus 5 by 3 x cube plus 452 by 3. एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे, पूरे को x से, ये जो टोटल कॉस्ट फंक्शन है इसको हम x से डिवाइड कर देंगे. डिवाइड करने से ये हो जाएगा 1 प्लस 50x माइनस 5 बाई 3 एक्स स्क्वायर प्लस 452 बाई 3x. दिस इज योर आंसर. ओके, I hope you've understood this. Tomorrow we will move on to revenue functions में integrals का प्रयोग. Okay? Till then, keep on solving all the sums related to today's exercise.